नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक दिवसीय मैचों में दोहरा शतक किन किन खिलाड़ियों ने कितनी गेंदों में कौन कौन सी टीमों के विरुद्ध किस किस साल में लगाए हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में 147 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाए थे। ये क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहली बार हुआ था। अगले ही साल 2011 में वीरेंद्र सहवाग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 149 गेंदों में 219 रन बनाए थे। तीसरे भारतीय थे रोहित शर्मा ने 2013 और 14 में दो बार दोहरा शतक लगाया, जिसमें 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 गेंदों में 209 रन बनाए और 2014 में रिकॉर्ड 264 रन 173 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ बनाए। अगले ही साल 2015 में मार्टिन गुप्टिल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए 163 गेंदों में नाबाद 237 रन बना डाले। इसी साल क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए 147 गेंदों में 215 रन बनाए। 2017 में एक बार फिर रोहित के बल्ले से श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक निकला। इस मैच में नाबाद 208 रन 158 गेंदों में रोहित ने बनाए। 2018 में पाकिस्तान के फखर जमान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 210 रन 156 गेंदों में बनाए। और दोस्तों, 2022 में भारत के ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 131 गेंदों में 210 रन बनाकर अपना नाम इस महान हस्तियों में शामिल कर लिया। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।